Hello guys, today we solve UPTET 2017 paper with the reasons and all details. Our first question is, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। मनुष्य के लिए साक्षरता की सर्वाधिक आवश्यकता है। निरक्षर व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। प्रजातंत्र की सफलता के लिए उसके नागरिकों का साक्षर होना आवश्यक है। साक्षरता प्रतीक है स्वतंत्रता एवं विकास का। यदि इस अभियान की सफलता और विफलता का निष्पक्ष दृष्टि से विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि यह अभियान जग जागृति लाने में सफल रहा है। इस अभियान को सफलतापूर्वक चलाना चाहिए। और क्वेश्चन इज, प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? लिखा है प्रजातंत्र की सफलता के लिए उसके नागरिकों का साक्षर होना आवश्यक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? उसके नागरिकों का साक्षर होना का साक्षर होना आवश्यक है। उसके नागरिकों का साक्षर होना आवश्यक है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दंभ का जहां जहां पड़ाव था, सत्य से जहां जहां दुराव था, वह चला कि अग्निबाण मारता, पाप की अह जहां उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। हमारा क्वेश्चन है, अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि तत्सम और तद्भव होते क्या है। तो तत्सम शब्द वह शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं। जैसे हिंदी, पंजाबी इत्यादि, और अग्नि। तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जिनमें समय व परिस्थिति की वजह से विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे अग्नि का बन जाता है आग, इसी प्रकार तद्भव शब्द जैसे जो भी हम समय व परिस्थिति की वजह से हमारा विकार उत्पन्न हो जाता है जिन शब्दों में, वह सब तद्भव शब्द कहलाते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? इट मीन्स अग्नि तत्सम है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? आग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आग। इसका आंसर क्या हो गया? आग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहा में कौन सा समास है? हमें इसके लिए पहले पता होना चाहिए समास होता क्या है। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए
शब्द के बनने की प्रक्रिया समास कहलाती है। अब चौराहा, चौराहा मतलब चार रास्तों का समाहार या समूह। सही है। अब जिस भी शब्द में एक तो संख्यावाचक शब्द आए और दूसरा समूह आए, समूह का बोध कराए, तो वहां द्विगु समास होता है। अर्थात जिस शब्द में संख्यावाचक शब्द हो तथा वह समूह का बोध कराए, समूह का बोध कराए, तो वहां द्विगु समास होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहे में है द्विगु समास। नेक्स्ट, जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द, जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द। हाथ को हम कहते हैं पानी और चक्र चक्र, तो अर्थात चक्र पानी, चक्र पानी मतलब विष्णु। क्वेश्चन फोर्थ आंसर क्या हो गया, चक्र पानी विष्णु। अगला क्वेश्चन है, कंघी का तत्सम शब्द क्या होगा? कंघी हमारा तद्भव शब्द है, तद्भव और तत्सम हमने अंतर अभी ऊपर जाना था। तो कंघी का तत्सम जो होता है वो होता है कंकति। क्या होगा कंघी का तत्सम? कंकति। व्यू मतलब, व्यू का विलोम शब्द, व्यू मतलब होता है हमारा किसी क्रम में या सुव्यवस्थित रूप से, तो इसका विलोम शब्द होगा वे तल तिव। क्रमभंग या वेतिव या क्रमभंग या अव्यवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम का घर दूर है, मैं कारक बताइए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कारक होता क्या है। कारक क्रिया का एक रूप होता है। ओके, अब जिसमें भी संबंध स्थापित होता है वहां संबंध कारक आता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु के साथ पाया जाता है वहां संबंध कारक होता है। यहाँ राम का घर से संबंध पाया जा रहा है, तो यहाँ संबंध कारक होगा।
संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है? इसकी विभक्ति का, की, के होती है। अर्थात यहाँ पे कौन सा कारक आएगा? संबंध कारक। संबंध कारक। अगला क्वेश्चन है, मैंने कहा होगा किस प्रकार का वाक्य है? मैंने कहा होगा, मैंने कहा होगा, इसमें क्या हमें पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है संदेह कि इसमें संदेह हो रहा है, संदेह का पता चल रहा है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? संदेह वाचक। संदेह वाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन है, अस कही कुटिल भई उठी थाड़ी, मानव रोष तरंगणी बाड़ी। मैं मानव के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है? हमें पता होना चाहिए जहां पर भी मानव, जानव, मनु, मानु, मानो, ज्यो, जानो आदि शब्द आते हैं। तथा जहां रूप गुण आदि की आदि समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये जो दोहा है ये रामचरितमानस के कवि तुलसीदास द्वारा रचित है। इसका अर्थ है, ऐसा अस कही, ऐसा कहकर कुटिल के कई उठ खड़ी हुई मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। यहाँ केकई के कुटिल स्वभाव की तुलना और उनके क्रोध की तुलना नदी से की गई है। अर्थात यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की गई। अर्थात यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, वह अपना सिर खुजलाता है, वाक्य में सकर्मक या अकर्मक कौन सी क्रिया है? इसके लिए हमें पता होना चाहिए सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती क्या है। सकर्मक वह क्रिया होती है जो कर्म के साथ पाई जाती है। अर्थात जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म हो तो वह सकर्मक कहलाती है, और जिसमें अगर कर्म नहीं होता है तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब इसे पहचानने के लिए एक और तरीका भी है। जैसे इसी क्वेश्चन को ले लें, वह अपना सर खुजलाता है, तो इसमें अगर हम पूछते हैं वह क्या खुजलाता है, क्या खुजलाता है, क्या की जगह क्या जाएगा? अपना सर खुजलाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे सीमा रोती है। अब इसमें अगर हम पूछे क्या रोती है, क्या रोती है, क्या रोती है, तो इसमें सीमा आंसर नहीं मिल रहा, तो ये अकर्मक
है और ये अलग वाक्य सकर्मक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सकर्मक क्रिया। हमारा अगला क्वेश्चन है बी रस का स्थायी भाव। स्थायी भाव होता क्या है, स्थायी भाव होता है जिससे रस के भाव की या फिर किसी भी चीज के भाव की अनुभूति होती है। उसका स्थायी भाव कहलाता है। वीर रस से हमें किस चीज की अनुभूति होती है, वीर रस से हमें उत्साह की अनुभूति होती है। तो इसका स्थायी भाव क्या है, उत्साह। ट्वेल्थ क्वेश्चन इज उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पहले हमें पता होना चाहिए उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग वह है जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में भिन्नता ला देता है। तो उन्मेष में कहते हो गए, उन्मेष इज इक्वल टू उत प्लस मेष, अर्थात यहाँ उपसर्ग क्या हो गया, उत। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो, मतलब जो कोई भी बात अगर किसी से कही रहा है तो एकदम सोच के उसका जवाब देने की शक्ति रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि। ऐसे व्यक्ति कहते हैं तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऐसा उपसर्ग मैंने बताया आपको कि किसी भी शब्द के आगे लग के वह शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। तो संस्कार तो कौन सा है, सम प्लस कार, इसमें कौन सा उपसर्ग है, सम, सम उपसर्ग का यूज हुआ है। सृष्टि का तद्व शब्द क्या है, तद्भव और तत्सम मैंने अभी आपको ऊपर बताए थे कि तत्सम जो होता है वो संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों ले लिया गया है, और तद्भव क्या होता है, तद्भव में जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। तो सृष्टि का जो तद्भव होगा वो होगा हमारा सौंठ। अगला क्वेश्चन है हमारा मुझसे उठा नहीं गया मैं कौन सा वाच्य है। इसमें किस चीज की प्रधानता है, इसमें प्रधानता है भाव की, कि मतलब मुझसे उठा नहीं गया, तो यहाँ कौन सा भाव है, यहाँ दर्द का भाव है, तो इसमें कौन सा वाच्य होगा, भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है, जिसमें भावों की प्रधानता होती है। इसमें हम ज्यादातर कौन सी क्रिया का प्रयोग करते हैं, अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अब है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द जो होता है वो होता है हमारा अधिक्यक। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि पर्वत की निचली भूमि, निचली समतल भूमि के लिए एक शब्द, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, उपत्यक का, वह आदित्य का, और
इसके लिए निचली समतल भूमि के लिए हो गया उपत्यका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? तो इसमें है हमारा कृदंत प्रत्यय का भाववाचक प्रत्यय, आवट। जहां पर भी आवट जैसे शब्द आते हैं वहां कृदंत प्रत्यय का भाववाचक प्रत्यय होता है। अब कृदंत प्रत्यय होता क्या है हमें यह भी पता होना चाहिए। तो वह प्रत्यय जो क्रिया पद के मूल रूप के साथ लगाकर के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करता है कृदंत प्रत्यय कहलाता है। ये पांच प्रकार का होता है। पहला है कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाचक, तीसरा है करणवाचक, चौथा है भाववाचक, जो कि यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। भाववाचक क्या होता है? जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करता है। निर्माण करता है और इसका पांचवा टाइप होता है क्रिया बोधक। यहाँ पे क्या था? कृदंत प्रत्यय का भाववाचक प्रत्यय आवट। अगला क्वेश्चन है, काला सागर में कौन सी संज्ञा है? काला सागर में जो हमारी संज्ञा है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जितने भी हमारे व्यक्ति के नाम, स्थान के नाम, व्यक्ति स्थान दिशा समुद्र पहाड़ जाति पुस्तक घटना दिन महीने देश सड़क नगर इत्यादि आते हैं। तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के कार्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री अर्थात मंत्रियों में प्रधान, मंत्रियों में जो प्रधान हो। तो यहाँ पर कौन सा समास है? यहाँ जो हमारा समास है वो है बहुव्रीही समास। क्यों है बहुव्रीही समास? यहाँ पर देखिए, जब समास में आए पदों को छोड़कर छोड़कर किसी अन्य पदार्थ या व्यक्ति की
ढांढता हो तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ प्रधानमंत्री अर्थात मंत्रियों में जो प्रधान, तो यहाँ पर किसी अन्य उसका प्रधानता है, किसकी प्रधानता है, जो प्रधानमंत्री है उसकी प्रधानता यहाँ पर है, तो इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द कॉम्प्रिहेंशन पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन आई कंसीडर्ड हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। जब मैं यह देखता हूँ कि मेरी रोशनी कैसे चली गई, एरा हाफ माई डेज, अभी तो मेरी आधी जिंदगी भी नहीं गुजरी, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, अब मुझे ये जिंदगी इस विशाल और अंधकार में समाज में गुजारनी पड़ेगी, एंड दैट वन टैलेंट, और जो मेरे अंदर एक टैलेंट था, योग्यता थी, विच इज डेड टू हाइट, जो मरने से पहले ही लुप्त हो गई, लॉस्ट विद यूजलेस, जो व्यर्थ ही जा रही है, थ्रो माई सोल मोर बेंट, मैं अपनी आत्मा को भगवान की तरफ झुका देना चाहता हूँ। तो इसमें पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरा, तो यहाँ पे बताया था एरा हाफ माय डेज, मेरे लाइफ की आधी लाइफ खत्म होने से पहले ही, तो एरा का मतलब यहाँ क्या हो गया, एरा मतलब बिफोर, एरा का अर्थ हो गया बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Use the suitable conjunction to complete the following sentence. He is not only punished, space, fine. Always remember, with not only, always use with, but also. Or but also, always use with not only. So, he is not only punished, but also, fine. Next question is sweet in the following sentence a part of subject or predicate? The mangoes in the basket are sweet. तो इसमें हमारा subject क्या है? The mangoes in the basket. आम जो basket में हैं, यह है subject. Are sweet. ये क्या हो गया हमारा? Predicate. तो यहाँ पर स्वीट क्या है? यहाँ पर स्वीट है हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट इज पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। राहुल सेड टू मी आई वर्क इन एन ऑफिस। यहाँ देखिए राहुल टोल्ड मी दैट, ये डायरेक्ट स्पीच थी, ये इनडायरेक्ट स्पीच में उसे कन्वर्ट करा गया। राहुल टोल्ड मी दैट, अब जो हमारे यहाँ पे जो आई था, आई ये किसके लिए यूज हुआ है? ये आई यूज हुआ है राहुल के लिए, तो राहुल के हिसाब से चेंज होगा, राहुल के हिसाब से आई चेंज हो क्या होगा, राहुल के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? ही, बिकॉज ही इज अ बॉय, सो यहाँ पे ही यूज होगा प्रोनाउन, तो आई की जगह हम क्या यूज करेंगे? ही, सो इसका आंसर क्या होगा? ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। इट इज स्पेस यूनिक अपॉर्चुनिटी। इफ वी सी दैट इज यू, यू इज अ बॉबिल, तो बॉबिल के साथ हमेशा हमारा क्या आता है? एन। बट वेन वी प्रोनाउंसिएट दैट वर्ड, दैट इज यूनिक, यूनिक, यू इज वाई, सो इट्स प्रोनाउंसिएशन इज वाई, सो वी यूज हेयर ए। इट इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। इस क्वेश्चन में काफी लोग बहुत गलती करते हैं, यहाँ पर जल्दबाजी में एन लगा देते हैं यू को देखकर, लेकिन कभी भी यहाँ पर यू के साथ यहाँ एन नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन हो रही है, जो आवाज आ रही है, वो आ रही है यूनिक, यू मतलब वाई, वाई से आ रही है आवाज की, तो इस वजह से यहाँ पर ए का यूज हो। अगला क्वेश्चन है रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। पीपल टेक कार्स एंड अदर रोड व्हीकल्स फॉर ग्रांटेड टूडे। लोग कार और रोड व्हीकल, अदर रोड व्हीकल खरीदते हैं खुद को प्रसन्न देखने के लिए। हाउ एवर द आइडिया ऑफ सच व्हीकल्स वॉज अनहियर्ड ऑफ अबाउट 500 ईयर्स एगो।
जबकि यह व्हीकल्स का आइडिया 500 साल पहले किसी ने सुना भी नहीं था। देन इन 1478 द आर्टिस्ट एंड इन्वेंटर लियोनार्डो द विंसी डिजाइन अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। तब 1478 में आर्टिस्ट और इन्वेंटर लियोनार्डो द विंसी ने एक सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल डिजाइन किया। हिज ड्राइंग्स शोड ए बॉक्सी ओपन टॉप्ड वुडन। इसके जो डिजाइन था वो एक वुडन की तरह से ओपन टॉप्ड वुडन की तरह था विद थ्री व्हील्स, जो तीन व्हील्स के ऊपर चलता था। कॉइल्ड स्प्रिंग वुड मेक द व्हीकल मोर समवॉट लाइक अ विंड अप टॉय। यह इसमें जो कॉइल स्प्रिंग लगी हुई थी वो इसे एक विंड अप टॉय की तरह बनाती थी। मॉडल्स ऑफ लियोनार्डोस व्हीकल हैव बीन मेड इन रिसेंट ईयर्स एंड आर ऑन एग्जिबिट इन म्यूजियम्स इन द इटैली। इटैली के म्यूजियम में आज भी यह मॉडल रखा हुआ पाया जाता है। तो क्वेश्चन है, व्हाट डिड लियोनार्डो द विंसी डिजाइन इन 1478? तो व्हाट इज द आंसर, इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। तो आंसर इज ए सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ बी। देर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्म प्रेजेंट, फर्स्ट इज मैस्कुलिन एंड सेकेंड वन इज फेमिनिन। मैस्कुलिन इज मेल फॉर्म ऑफ एनीथिंग एंड फेमिनिन इज फीमेल। बी इज अ फीमेल वर्ड दैट इज फेमिनिन, सो इट्स मैस्कुलिन इज ड्रॉन, DRONE, drawn is the masculine of B. Question number 28 is, complete the following sentence. The soldier fought, space courage. Sipahi lada courage ke saath. Yahan saath aana chahiye, saath ke liye kya use karte hain, with. So the soldier fought with courage. So answer of 28th question is with. Next one is, identify the voice in the following sentence. Alexander Graham Bell invented the telephone. ये हमारा कौन सी voice में है? ये है हमारा active voice. इसका passive voice क्या होगा? Passive voice हो जाएगा इसका हमारा the telephone was invented by Alexander ग्राम सॉरी अलेक्जेंडर ग्राम वेल। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेंशन ए कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। फर्स्ट इज राइट, सेकंड वन इज फ्रेश, थर्ड वन इज टेक। एज वी सी इफ वी राइट री राइट, वट इज रिराइट, रिराइट इज फिर से लिखना, रिफ्रेश, रिफ्रेश इज ताजा करना। नेक्स्ट वन इज रीटेक, रीटेक इज फिर से लेना। सो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज री प्रीफिक्स। That is the answer of that question. अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एकदा राजकुमारा सिद्धार्थ विहाराय उद्याने गतवान। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ विहरण करने घूमने उद्यान गए। सहसा सह क्रंदन ध्वनिम अशृणोत। अचानक उन्होंने एक क्रंदन मतलब रोने की आवाज सुनी। तदेव च एकः हंसा तस्य सम्मुखे भूमो अपतत। उसी समय एक हंस उनके सम्मुख भूमि पर आकर गिरा। तम दृष्ट्वा सिद्धार्थ करुणापूर्णा संजात। उसे देखकर सिद्धार्थ करुणापूर्ण हो गए। पुनश्च स हंसस्य शरीराद् वाणां निकासस्य यावत्
पश्यति तावाद देवदत्ता तत्समागता। उन्हें जब उन्होंने हंस के शरीर से वाण निकालकर उसे देखा तभी देवदत्त वहां आ गए। सह सिद्धार्थम उक्तवान, उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, भो सिद्धार्थ, अरे सिद्धार्थ, ऐसे हंस मया हत है, इस हंस को मैंने मारा है, रमम हंस मह्यम देही, इसीलिए ये हंस मुझे दे दो। सिद्धार्थ उच्चे अवदत् न दस्यामि, सिद्धार्थ ने ऊंची आवाज में कहा कि नहीं दूंगा, अहम अस्य रक्षकम, रक्षका, मैं इसका रक्षक हूँ। इसमें पूछा गया है बिलोक्य इति पदस्य गद्यांश से पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, बिलोक्य शब्द का पर्यायवाची इस गद्यांश में क्या प्रयुक्त किया गया है। बिलोक्य का अर्थ होता है देखना, देखना या देखकर, देखकर। तो यहाँ पे क्या प्रयुक्त हुआ है देखकर के लिए, दृष्टवा। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, दृष्टवा। अगला क्वेश्चन है कुत्र अव्यय का क्या अर्थ है। कुत्र माने होता है कहाँ, जैसे पूछते हैं तुम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो, तो कुत्र का अर्थ क्या हो गया, कहाँ। अगला क्वेश्चन है सह चौरव्य अभिवेति, वह चोर से डरता है। तो चौरव्य पद में किस व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, चौरभ्य हमें पता है कि ये वैसे तो पांचवी और चौथी विभक्ति के बहुवचन में आता है, परंतु हमें ये देखना है कि ये कौन सी विभक्ति में है, चतुर्थ है या पंचमी विभक्ति है। तो यहाँ पे क्या है, वह चोर से डरता है, चोर से डरता है मतलब चोर से अलग होने के लिए है ना, यहाँ जो से यूज हुआ है, जैसे वह चोर से डरता है, तो यहाँ जो से वर्ड यूज हुआ है, ये से जो यूज हुआ है ये हुआ है अलग होने के लिए, अलग होने के लिए। तो अलग होने के लिए कौन सी आती है, अपादान, अपादान, अपादान कौन सी विभक्ति में होता है, पंचमी विभक्ति। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पंचमी विभक्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येकम पद में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्येकम का अगर हम अलग अलग करते हैं प्रत्येकम को क्या बनेगा, प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम, अर्थात कौन सा उपसर्ग है इसमें, प्रति उपसर्ग का यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा पठनीय पद में कौन सा प्रत्यय है। तो पठनीय का हम अगर संदिग्ध करते हैं तो क्या होता है, पठ प्लस अन्यर, तो इसमें कौन सा प्रत्यय आ गया, अन्यर, अन्यर प्रत्यय। तो इसका आंसर क्या है, अन्यर, अतः प्रति उपसर्ग, इसका है अन्यर प्रत्यय। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है पढ़ने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचग्रामम में कौन सा समास है। पंचग्राम मतलब, पंचग्राम मतलब पांच गांवों का समूह, और अभी हमने आपको बताया था कि जहां पर भी संख्यावाचक शब्द आता है, साथ ही पांच आ गया संख्यावाचक और समूह आ जाता है, तो वहां कौन सा समास होता है, द्विगु समास। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है सुखार्थ में कौन सी संधि है। अब सुखार्थ तो अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, सुख प्लस रित, सुखार्थ। इसमें क्या है, ए प्लस र, सॉरी ए प्लस र इज इक्वल टू बी अर। तो इसमें कौन सी संधि आएगी, इसमें आएगी हमारी गुण संधि, और गुण संधि की पहचान क्या होती है, गुण संधि में होता है ए प्लस ई, ए के बाद, ए और आ के बाद ई
और ई आई, तो ये हो जाता है ए। और आ, आ के बाद उ प्लस उ आई, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ओ। और ए के बाद री आए, ए या कुछ बड़े ए के बाद, तो ये क्या बन जाता है अर। ये होती है गुण संधि की पहचान। तो यहाँ पर गुण संधि है। अगला क्वेश्चन, एचओ वाय वाह सूत्र किस संधि का विधान करता है। इसे अगर हम अलग अलग करेंगे तो आएगा एच, एच ए आए, एच आए, फिर अब फिर आए, फिर अब। अर्थात एच मान, एच क्या होता है, एच होता है स्वर, कौन कौन से, ए ए ओ ओ, आए इसके बाद कोई अगर स्वर आता है, अच अच आता है, मतलब अच क्या होता है स्वर, कोई सा भी इसके बाद अगर स्वर आता है तो ये क्रम से आए आव आए और आव हो जाता है। अच का मतलब क्या है, स्वर, ए ए ओ ओ के बाद कोई अगर स्वर आता है तो ये क्रम से है ए का आए, बड़े ए का अव, ओ का आव, सॉरी ए का आए, ये आए, ये आव, ए का आए, बड़े ए का आए, ओ का अव, ओ का आव हो जाता है। ये आए है, ये अव है, तो ये क्रम से ये हो जाता है। तो इसमें कौन सी संधि है, ये कौन सी संधि का सूत्र है, ये है अयादि संधि। तो इसका आंसर क्या हो गया, अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका शब्द के प्रथमा व्यक्ति बहुवचन के रूप लिखिए। तो होता है बालिका, बालिका हो, बालिका, जैसे कि वो उसके चलते बालक के, बालक बालक है, बालिका हो, तो उसी तरह प्रकार से बालिका के भी चलते। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये, दान तप शौर्य विज्ञान में अगर जानने वाला व्यक्ति विनयशील नहीं है, अहंकार से युक्त है, तो वह अहंकार ही मानव के दुख का कारण बनता है। विस्मयो नाही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, कभी भी हमें विस्मित नहीं होना चाहिए बहुरत्ना वसुंधरा के कर्तव्यों के प्रति। इसमें क्या कहा क्वेश्चन है, अस्माकं वसुंधरा कीदृशी वर्तते, हमारी वसुंधरा किस तरीके की लगती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, अस्माकं वसुंधरा बहुरत्ना वर्तते, हमारी वसुंधरा बहुत से रत्नों की तरह लगती है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक एक समान चाल 4 किलोमीटर पर आर से जाता है तथा एक समान चाल 2 किलोमीटर पर आर से वापस लौट आता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी। अब हम इसे कभी कभी डायरेक्ट निकाल देते हैं कि औसत चाल बराबर 4 + 2/2, तो यहाँ पे वैसे 3 आ जाता है, लेकिन ये जो है ये गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है, हमें इससे नहीं करना है, ये तरीके इसका तरीके से आंसर गलत आएगा। औसत चाल का जो सूत्र होता है, यदि दूरी समान हो तो जो फॉर्मूला जो इसका लगता है वो आता है 2xy/x + y, where x and y is
स्पीड्स, एक्स इज फर्स्ट स्पीड, वाई इज सेकेंड स्पीड, तो 2 × 4 × 2 / 4 + 2, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, वाई 6, एंड दैट इज 2.67 किलोमीटर पर आवर। और यदि यहाँ पर तीन स्पीड दी होती समान दूरी पर, समान दूरी पर तीन चालें दी हैं, तो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा औसत स्पीड का? तो फॉर्मूला लगता है हमारा 3xyz/xy + yz + zx। और यदि दूरी अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगता है? a + b + c / ayx + byy + cyz, जहाँ a, b और c दूरी और x, y, z क्रमशः चाल को निरूपित करती हैं। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए अपवर्तनांक होता क्या है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है, कम या अधिक है। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर हमें सापेक्ष अपवर्तनांक दिए होते हैं तो वाटर म्यू दैट इज साइन ऑफ अपवर्तनांक, जी इजिकल टू ए म्यू जी वाई ए म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज वाटर, जी इज ग्लास एंड ए एयर। तो ए म्यू जी कितना दिया हमें 4/3 एंड ए म्यू डब्ल्यू 3/2, तो 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 9, सो आंसर इज 8/9।